अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने अपने पाक कुरान के अंदर फरमाया फरमाया वस्तगफिर लिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला फरमांदा है वस्तगफिरिल्लाह और अल्लाह दे कोलों इस्तगफार करो इन्नल्लाह कान गफूर रहीम। फरमाया बेशक अल्लाह बड़ा ही मेहरबान ते रहम करने वाला है। अल्लाह बख्शिश बख्शन वाला वे अल्लाह बख्शन वाला है गफूर है रहीम आ बड़ा ही मेहरबान है। दूसरे मकाम ते परवरदिगार फरमांदा है वस्तगफिर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और अल्लाह दे कोलो माफ़ी मंगो बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शन वाला ते मेहरबान है। तीसरे मकाम ते परवरदिगार फरमांदा है फसबिर इन वाद अल्लाह हक्कुं वस्तगफिर लिज़म्बिक वसब्बिह बिहम्द रब्बिक बिलअशिय्य वल इबकार। रब्बुल आलमीन मौला फरमांदा है सबर करो फसबिर सबर करो इन्ना बेशक वाद अल्लाह हक्कुम अल्लाह दा वादा सच्चा है वस्तगफिर लिज़म्बिका अल्लाह तुहाडे गुनाहां नूं बख्श देवेगा वसब्बिह बिहम्द रब्बिका बिलअशिय्य वल इबकार। अपने गुनाहां दी अपने मौला दे कोलों मगफिरत तलब करो वस्तगफिर लिज़म्बिका अपने गुनाहां दी अपने मौला दे कोलों बख्शिश तलब करो मुआफी तलब करो वसब्बिह बिहम्द रब्बिका बिलअशिय्य वल इबकार। ते फरमाया सुबह शाम अपने मौला दी पाकी बयान करो अपने मौला दी हमद बयान करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने अगले मकाम ते सूरह मुहम्मद के अंदर फरमाया फरमाया फालम फालम अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिरु लिज़म्बिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल्लाहु यालमु मुतकल्लबकुम व मस्वाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला फरमांदा है और पस जान ले कि अल्लाह के सवा किसी की बंदगी नहीं। फालम तुसी जान जाओ अन्नहु बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ते सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। वस्तगफिर लिज़म्बिका ऐ महबूब अपने ईमान वाले बंदियां दे वास्ते वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। फरमाया ऐ महबूब अल्लाह दे कोलों बख्शिश तलब कर अपने मोमन बंदियां दे वास्ते अपनिया मोमन बीबियां जड़ियां ने औरतां ने मोमना औरतां ने उन्हां दे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला दे कोलों बख्शिश तलब कर सदके जावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला फरमा रहा ओ सोने महबूबा तू जानना ही है अल्लाह तू इलावा इबादत दे लायक कोई जात नहीं। अपने मोमन मर्दां वास्ते ते अपनिया मोमना औरतां दे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला दे कोलों बख्शिश तलब कर रब दे कोलों माफी मंग
वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानदा वे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला फरमा रहा वे व सोनिया वल्लाहु यालमु, अल्लाह खूब जानदा है। मुतकल्लबकुम व मसवाकुम, फरमाया जेड़ा तुसी दिन रात दे अंदर, अल्लाह फरमांदा वे जेड़ा दिन रात दे अंदर तुसी आराम कर दे हो, इंदे अंदर जेड़ी अपने मौला दे कोलों बख्शिश ते मगफरत तलब कर दे हो, या उस जनाबे अली दिन रात दे कारोबार दे अंदर जो कुछ भी तुसी कर दे जे, रब सारे दे सारे नूं जानदा है। जो कुछ तुसी कर दे जे, रब्बुल आलमीन मौला सब नूं जानदा है। मालूम होया अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने अपने पाक महबूब नूं ए इज़न दिता वे के सोनिया अपने गुलामां दे वास्ते बख्शिश तलब कर, इन्हां दे वास्ते मेरे कोलो बख्शिश तलब कर, मैं इन्हां दी तेरी दुआ जड़ी है इन्हां दे हक दे अंदर, तेरी सिफारिश जड़ी है इन्हां दे हक दे अंदर है, मैं उन्हूं जरूर कबूल करांगा। क्यों ना कबूल करे, इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने जनाबे अली वादे अपने पाक कुरान दे अंदर अहकाम नाजल फरमा छड़े। आ इधर सुन, तेरे सामने मैं एक जनाबे अली हदीसे मुबारका एक अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला दे पाक कुरान दी आयत पेश करना वा, जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने काफरां नूं फरमाया कि मैं रब तुहाडे उत्ते अजाब नाजल नहीं करांगा, क्यों तुहाडे अंदर मेरा रहमत वाला नबी जो है। हालांकि अबू जाल उत्बा सहबा वर्गिया काफरा ने अजाब मंगया है अपनी जुबान दे नाल, जिस वेले तुहाडे ते मेरे नबी ने ऐलाने नबुवत फरमाया उस वेले ये मक्के दे मुशरक खाने काबे दे अंदर जमा हो गए। काबे दे अंदर आ के अबू जाल दुआ करदा है ते दूजे मगर आमीन कहिंदे ने। दुआ की कीती अबू जाल ने कि ए अल्लाह, अगर मुहम्मद सच्चा नबी है ते असी उंदी तकजीब करने आ, जे ओ सच्चा है ते असी झूठे आ, ते साडे उत्ते अजाब नाजल कर। ये दुआ पर मंगते ने मक्के दे मुशरक मक्के जाके। ये अबू जाल दुआ उच्ची कह रहे हैं मगरले आमीन पयाख दे। हुण उधरों अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने तुहाडे ते मेरे पाक नबी आप दी बारगाह दे अंदर जबरीले अमीन नू ए पैगाम दे के भेजिया कि जबरीले अमीन आन के अर्ज की वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबतुम मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरू। परवरदिगार ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाया ओ सोनिया इन्हां नूं कह दे अल्लाह हरगद अजाब नहीं करेगा इन्हां दे उत्ते जिन्नी देर तक तुसी इन्हां दे अंदर मौजूद जे। रब्बुल आलमीन मौला ने फरमाया ओ मेरे सोनिया
मैं हरगद अदाब नहीं करना मक्के दे मुशरकां दे उते, ए भावें मेरे कोलों अदाब तलब करदे ही पए ने, ए भावें मेरे कोलों मंगदे ही पए ने, अल्लाह सोणिया सानू अदाब दे अंदर मुसलत कर दे। लेकिन परवरदिगार ने फरमाया, ओ मेरे महबूब तू इन्हां नू कह देवा मा कान अल्लाह हो, अल्लाह कदे भी हरगद ले युअज़्ज़िबहुम इन्हां दे उत्ते अदाब करेगा, वा अंता फीहिम जिन्नी देर तक तू इन्हां दे अंदर है, वा मा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम, परवरदिगार फरमांदा है जिन्नी देर तक तू इन्हां दे अंदर मौजूद है मैं इन्हां नू अजाब नहीं करना, क्यों? फरमाया हम यस्तग़फिरून, मैं अजाब मुसलत इन्हों के उत्ते नहीं करना, क्योंकि इंज दे लोग है ने तेरे नाल जेड़े मेरी बारगाह दे अंदर मेरी बख्शिश तलब करते ने। यानी कि मतलब सोनिया ये मक्के दे मुशरक ने, ये गुनाहगार ने, ये काफिर ने, ये जालिम ने, ये जो कुछ भी है ने, पर इन्हां दे विच तू भी है, तेरे गुलाम भी है ने, मैं तुहाड़ी बरकत दी वजह तू इन्हां दे उत्ते आदाब नहीं करना। तां वास्ते मेरे पाक नबी फरमाया, लोगो मेरे नबी ने फरमाया इस हदीस से पाक नु हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला नु आप सरकार बयान फरमाउंदे ने, फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजलल्लाहु अलैया अमातैने ले उम्मती वमा कान अल्लाहु ले युअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरूना फ़ाइज़ा मफ़ैतो तरक्त फ़ीहिमुल इस्तग़फ़ार इला यौमल क़ियामा। सोने नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला ने मेरी उम्मत के अंदर दो अमानत रखियां ने, परवरदिगार ने सोने नबी फरमाते ने मेरी उम्मत के अंदर दो अमानत रखियां ने, फरमाया जिन्नी देर तक ये दो अमानत या दोहां दे अंदरों एक मौजूद रहेगी अल्लाह इन्हां दे उत्ते अदाब नहीं करेगा। फरमाया एक अमानत मैं मुहम्मद दी जात ते दूसरी फरमाया इस्तिगफार। मेरे नबी ने दस्या है की मतलब, फरमाया और नाल फरमाया अन करीब एक अमानत अल्लाह दी तरफ वापस लौट जाएगी, दूसरी जिन्नी देर तक मेरी उम्मत दे अंदर रहेगी रब कदे इन्हां दे उत्ते अदाब नहीं करेगा। यानी एक फरमाया मैं मुहम्मद दी जात, ये भी अल्लाह दी अमानत, दूसरा इस्तिगफार अल्लाह दे कोलो अपने गुनाहों दी तलब करनी रब कोलो माफी मंगनी, फरमाया ये भी अल्लाह ताला दी अमानत है। ते फरमाया जिन्नी देर तक ये दो या दोहां दे अंदरों एक दुनिया ते मौजूद रवे दी कदे अल्लाह दा इन्हां दे उत्ते अदाब नहीं आवेगा। फरमाया अन करीब एक अमानत ते वापस चली जाएगी, दूसरी फरमाया क्या कुर्बे क्यामत तक रहेगी। की मतलब? फरमाया मैं मुहम्मद दी जात ते वापस लौट ही जाना है, लेकिन इस्तिगफार अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी, अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहों के उत्ते निदामत ते तौबा करनी। फरमाया जिन्नी देर तक लोगों के अंदर ये चीज़ मौजूद रहेगी अल्लाह इन्हां दे उत्ते कदे अदाब नहीं मुसलत।